सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई में बिना मस्जिद वार्ड में एक मुस्लिम परिवार के घर से 38 किलो गौ मांस बेचते व खरीदते हुए 8 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, जहां से पुलिस ने विभिन्न धाराओं का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। गौ हत्या एवं गौ मांस बेचने के विरोध में शुक्रवार के दिन बिना के विभिन्न हिंदू संगठन नरसिंह मंदिर में इकट्ठा हुए तथा शहर के सर्वोदय चौराहे से विरोध प्रदर्शन करते विशाल जुलूस अनुविभागीय कार्यालय पहुंचा, जहां एसडीएम अमृता गर्ग को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने तथा बाकी आरोपियों को शीघ्र पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मांग करने वाले हिंदू संगठनों में गौर रक्षा समिति, विश्व हिंदू परिषद, नरसिंह मंदिर समिति, ग्वाल महासभा बीना व हिंदू समाज के युवा बड़ी संख्या में मौजूद थे। खुरई से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद एवं नरसिंह हिंदू संगठन सहित समस्त हिंदू समाज के युवा उपस्थित हुए। बीना में जो एक निंदनीय घटित कार्य हुआ है, जिससे पूरे बीना वासियों का और क्षेत्र वासियों का हृदय आहत हुआ है। गाय जो हमारी माता है और हम उसकी पूजा करते हैं, गाय के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है और गाय को काट कर जो विधर्मियों ने उसको उसके मांस का विक्रय और उसके साथ जो दुराभाव किया है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। उसी के संदर्भ में आज हमने शांतिपूर्वक अनुविभागीय अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है। हम आशा करते हैं कि जो भी शेष बचे हुए अपराधी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी प्रकार से उनको नहीं बख्शा जाएगा। यही हमारी अपेक्षा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, ये हमारी आशा है।